सुप्रभात पिला माने, आमे पूर्व क्लास रे इनाम गांव रो समाधि स्थान संपर्क रे धारणा पाउथले ता सहित आर्य मानंकर भारत रे आगमन से मानंकर बसवास लुहार आविष्कार ए सब संपर्क रे मध्य किछि जानिथिले। वर्तमान आमे माने जनपद एवं महाजनपद संपर्क रे जानिमा। जनपद कोण एवं महाजनपद कोण ए विषय रे आमे किछि धारणा पाइबा। अच्छा पिला माने, ऋग्वेदीय जुगर जनजाति राष्ट्र व्यवस्था परवर्ती समय रे परवर्ती वैदिक जुगरे क्षेत्रीय राष्ट्र व्यवस्था रे परिणत होला। ऋग्वेदीय जुगरे जो जनजाति राष्ट्र व्यवस्था थिला ता परवर्ती वैदिक जुगरे क्षेत्रीय राष्ट्र व्यवस्था रे परिणत होला। राष्ट्र गुड़िक एक भौगोलिक सीमा मध्य रे आबद्ध रहिला। तले ऋग्वेदीय जुगर केउ भली व्यवस्था थिला जनजाति राष्ट्र व्यवस्था एवं परवर्ती वैदिक जुगरे सेटा परिवर्तन हो गला राष्ट्रीय क्षेत्रीय राष्ट्र व्यवस्था। राष्ट्रगुड़िक एक भौगोलिक सीमार आबद्ध रही जनपद कहला के समय ना ऋग्वेदीय जुग समय को कहला जनपद बोली जनपद गुड़िक सेठारे बास करुवा प्रमुख जातिर नाम अनुसार नामित होता। ऋग्वेदीय जुगर राष्ट्रर मुख्य को राजन बोली कहला। ताले राष्ट्रर मुख्य जे से थिले राजन। एही पद वंशानुक्रमिक थिला। वंशानुक्रमिक माने राजांकर पुओ राजा हेउथिले। तांकर क्षमता सीमित थिला। सभा समिति विधाता और गण आदि जनजाति परिषद जोगु राजनर क्षमता सीमित थिला। राजांकर सहित ए माने मध्य शासनर परिसर मध्यरे थिले। क्यों माने सभा समिति विधाता एवं गण सभा समिति एवं विधाता गण आदिर उपस्थिति जोगु राजनकर क्षमता सीमित थिला। राजा स्वेच्छाचारी नथिले से जहाँ भी करुथिले ए मानंकर परामर्श रे करुथिले। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी बेलकु जनपद गुड़िक निजर सीमा वृद्धि करिबा पई चेष्टा आरंभ करथिले। सीमा वृद्धि होइथिबा जनपद को महाजनपद कहगला। ताले जेऊ जनपदर सीमा बढ़िला ताकु आमे कहिले महाजनपद। सीमा वृद्धि होइथिबा जनपद बौद्ध ग्रंथरु ख्रीष्टपूर्व 600 शताब्दी बेलकु उत्तर भारत रे 16टी महाजनपद थिबार सूचना मिले। ताले केतोटी थिला 16टी महाजनपद थिला। सेमानको मध्यरे मुख्य थिला कोसल मगध वत्स्य ओ अवंती। ए सबु जनपद गुड़िक ए 16टी जनपद मध्यरु ए 4टी जनपद अधिक शक्तिशाली होइ उठिथिले। तले 4टी शक्तिशाली जनपद थिले शक्तिशाली महाजनपद के थिले ना कोसल मगध अवंती एवं वत्स्य। ये 4टी जनपद से समय महाजनपद अधिक शक्तिशाली थिले। या छड़ा सेतेबेले केते गुड़िए गणराज्य मध्य थिला। परवर्ती काल रे राजा बिंबिसार
ଓ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ମଗଧ ଓ ଅନ୍ୟ ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିମ୍ବିସାର ଇତିହାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିମ୍ବିସାର ମଗଧର ଯିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ମଗଧର ଥିଲେ। ଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବାକି ଯେଉଁ ପନ୍ଦରଟି ମହାଜନପଦ ଥିଲା, କୋଶଳ, ଅବନ୍ତୀ, ବତ୍ସ, ଏ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ମଗଧ ସହିତ। ଏମାନେ ଶାସନ କାଳ ସମୟରେ ଏ ତିନୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାଜନପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜନପଦର ରାଜଧାନୀ ସହିତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କେତେକ ମହାଜନପଦରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଧାରଣା ପାଇବା।